बिग बॉस सीजन 17 के खत्म हो जाने के बाद अब इस शो पर टीवी इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस, ये है मोहब्बतें से घर घर में पहचान बना चुकी दिव्यांका त्रिपाठी ने इस पर रिएक्ट किया है। जी हाँ, हाल ही में दिव्यांका त्रिपाठी खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में नजर आई थी। इस रियलिटी शो में दिव्यांका यानी कि टेलीविजन की इशिता को उनके फैंस ने काफी पसंद किया था। अब उनके फैंस उन्हें बिग बॉस में देखने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि एक इंटरव्यू में बिग बॉस पर रिएक्ट करते हुए दिव्यांका त्रिपाठी ने दो टुक कह दिया है, दैट शी इज नेवर गोइंग टू बी पार्ट ऑफ दिस शो, वो कभी भी नहीं बनेंगी इस शो का हिस्सा। जी हाँ, दिव्यांका ने ऐसी बात कही जो उनके फैंस को शायद पसंद नहीं आएगी। दिव्यांका ने कहा, मैं कभी बिग बॉस में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, मैं बिग बॉस के बारे में बोलूं तो मेरे दोस्त और मेरी फैमिली भी नहीं चाहते कि मैं इस शो में जाऊं। मैं ऑनेस्टली कहूं तो वहां बहुत ज्यादा झगड़े और बहुत ज्यादा बहस होती है, एक स्टार की इमेज पूरी खराब हो जाती है। जो लोग मेरे करीब हैं और मेरे प्रशंसक हैं, वो मेरी इमेज खराब होते नहीं देख सकते हैं, इसीलिए मेरे लव्ड वन से डरे हुए हैं। हालांकि मुझे हर साल इस शो का ऑफर आता है। शो के यकीनन ऐसे दर्शक भी हैं जो इस शो को देखना नहीं छोड़ते, जो इस शो को बहुत पसंद करते हैं। भले ही आप कुछ भी कहें, लेकिन इस शो का अपना अट्रैक्शन है, बट दिस शो इज नॉट फॉर मी, मैं अपनी इमेज के साथ रिस्क नहीं ले सकती। वेल यस, दिव्यांका ने दो टुक कह दिया है कि वो कभी भी बिग बॉस में नहीं आएंगी। वैसे देखा जाए तो दिव्यांका की बात सही भी है। अंकिता लोखंडे को ही देख लीजिए, सीरियल पवित्र रिश्ता से अंकिता ने अपना जो भी नाम बना, आज वो बिग बॉस के बाद पूरे तरीके से खराब हो चुका है। यहाँ अंकिता कोई पोस्ट करती नहीं और वहाँ लोग उन्हें बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। कोई अंकिता को फेक कहता है तो कोई बुढ़ी, कोई उन्हें बदतमीज कहता है तो कोई झगड़ैल। दिव्यांका त्रिपाठी, आप जो कर रही हैं ठीक ही कर रही हैं। फाइनल कट, न्यूज डेस्क।